मुजफ्फरनगर की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले के एसएसपी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ढक्कन, रैपर और ब्रांडेड बोतल बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा है। इस अभियान के चलते अभी तक पुलिस ने 12 से अधिक शराब माफियाओं को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ढक्कन, रैपर और ब्रांडेड बोतल समेत 20 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब फैक्ट्रियों में ढक्कन, रैपर और ब्रांडेड बोतल बेचते थे। आरोपियों ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली में अवैध कारोबार का काम किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, ये एक जैसे कि हमने अभी 15 दिन पहले एक रैकेट बस्ट किया था, जो कि आपके सरकारी ठेकों पे जो डिस्टिलरी में बनने वाली शराब होती है उसको कॉपी करते हुए फेक ढक्कन, रैपर, बॉटल्स और नकली जहरीली शराब बना के जो उसको चेंज करके बेचने का एक अपराध कर रहे हैं। उस गैंग के हमने 12 लोग अरेस्ट करके जेल भेजे थे। उसमें जो उनका मेन सरगना था, चमन नाम का व्यक्ति था, वो बचा हुआ था। चमन को गिरफ्तार किया गया है। चमन के साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसी के गैंग के हैं। और इन लोगों से 8.5 लाख ढक्कन और 2.5 लाख रैपर बरामद हुए हैं, जो कि हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर जैसे जनपदों में ये लोग, गोरखपुर जैसे जनपदों में ये लोग ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे थे। और ये सारी रिकवरी इनके द्वारा इनसे की गई है। और इसी के साथ साथ एक फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। वो फैक्ट्री दिल्ली में है, जहाँ पे ये लोग ये जो ढक्कन है ये बना रहे हैं। बेसिकली उस फैक्ट्री में इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, जो कि प्रत्येक मशीन 10-10 लाख की है और 800 से 900 किलो उसका वज़न है, और 25 से 30 हज़ार ढक्कन वो एक दिन में बना लेती है। तो उस फैक्ट्री का खुलासा किया गया। और अब यहाँ से इसके बाद हमारी टीम जो है वो दिल्ली जाके दिल्ली पुलिस की सहायता से उस फैक्ट्री को भी सीज करेगी, उन मशीनों को भी सीज करेगी और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी।